हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साजिद। आप देख रहे हैं एनिमे इंडिया। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना किए, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट एनिमे डबर्स ऑफ इंडिया। इस लिस्ट में मैं नंबरिंग नहीं करूँगा क्योंकि सारी एनिमे डबिंग टीम बहुत वर्कआउट करती है हमारे एनिमे डब करने के लिए हिंदी में। इसीलिए अगर मैं नंबरिंग करूँ तो उनका डिसरिस्पेक्ट होगा और मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। तो हम शुरू करते हैं एनिमे टीम डबर्स से। इस टीम को कौन नहीं जानता? अगर कोई नहीं जानता तो क्या कर रहे हो, जाओ जाकर इनके हिंदी डब एनिमे देखो, कितने अच्छी तरफ से डब किया गया है। मैं तो इनका योर नेम मूवी हिंदी डब में देख के इनका फ़ैन बन गया। मुझे इनका डबिंग इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है ये प्रोफेशनल को भी बीट कर देंगे। वैसे भी आजकल के एनिमे जो हिंदी में टीवी में आता है उनका डबिंग बिल्कुल घटिया होता है, इससे अच्छा तो फैन डब है। तुम एग्जाम्पल के लिए एक डिजिमॉन एडवेंचर ट्राई को ही ले लो, लेकिन बाकी कार्टून शोज जैसे मार्वल एवेंजर्स असेंबल, मोटू पतलू, छोटा भीम, शिवा, उनका डबिंग देख लो, उनका डबिंग बहुत अच्छा है। लेकिन एनिमे के लिए इंडियन टीवी चैनल्स पैसा खर्च ही नहीं करना चाहता। जो मीडियम शोज है और इतने ज़्यादा अच्छे शोज नहीं है उनके लिए सब पैसा खर्च करने के लिए रेडी है, लेकिन जो अच्छे शोज है उनके लिए कोई पैसा खर्च करने के लिए रेडी नहीं है। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं एनिमेस में बहुत वायलेंस होता है इसलिए बच्चों को नहीं देखना चाहिए, बच्चे बिगड़ जाते हैं। उन लोगों को मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ, एनिमे से वर्ल्ड का रियलिटी को दिखाता है। मैं मानता हूँ कुछ एनिमे शोज बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाते हैं, लेकिन बाकी एनिमे शोज वर्ल्ड की रियलिटी को दिखाता है। एनिमे हमें सिखाता है कैसे वर्ल्ड के साथ अडॉप्ट करना है, कैसे फैमिली के साथ कोएग्जिस्ट करना है, कैसे एक दूसरे को ट्रीट करना है, कैसे अपनी गलतियों को सुधारना है, सब कुछ एनिमे सिखाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ एनिमे इंडिया में वापस आए और बच्चे एनिमे देखें। आजकल के जो घटिया टीवी में कार्टून आते हैं वो अभी बच्चे भी नहीं देखते। फिर बच्चे क्या करते हैं, फिर बच्चे कुछ अच्छा कुछ देखने के लिए ढूंढने की कोशिश करता है, करते करते फिर वो एडल्ट कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और बच्चे बिगड़ जाते हैं। मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर इंडिया में अभी भी एनिमे ब्रॉडकास्ट होता तो, क्योंकि तुम मुझे ही देख लो, मैं बहुत जब छोटा था तब मैं सोचता था लोग फालतू में पैसे दे के मूवी थिएटर में मूवी क्यों देखने जाते हैं, एनिमे में इतना अच्छा एक्शन है, मिस्ट्री स्टोरी है, रोमांस है, सब कुछ है, तो फालतू में लोग थिएटर्स में जाकर अपना पैसा बर्बाद किया। तब मुझे मूवी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर जब स्लोली स्लोली एनिमे इंडिया से चले जाने लगा तो मैं तब मूवी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा, क्योंकि मेरे पास और कुछ अच्छा देखने के लिए नहीं था। फिर जब 2018 में मैंने अपना खुद का सेलफोन खरीदा तब मैंने YouTube में एक पोस्ट देखा, वी शुड ब्रिंग बैक एनिमे इन इंडिया। फिर मुझे याद आया जब मैं छोटा था तो मुझे एनिमे देखने में कितना मज़ा आता था। वो पोस्ट देखकर मैंने सोचा तो चलो एक एनिमे फिर से ट्राई करते हैं। फिर मैंने ट्राई किया साइलेंट वॉइस मूवी। फिर उस मूवी को देख के मैं एनिमे का फिर से फैन बन गया और तब से मैं एनिमे ऑनलाइन में इंग्लिश डब में और इंग्लिश सब में ही देखता हूँ। इसीलिए यह चैनल मैंने खोला है जिससे जो एनिमे देखना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश डब और इंग्लिश सब के लिए वो नहीं देखते वो भी आप एनिमे देख सकते हैं हिंदी में। तो चलिए, आप बहुत ज़्यादा बकबक हो गया तो अब नेक्स्ट डबिंग टीम की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट डबिंग टीम है डीवी एनिमे टीम। इनका डबिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इन्होंने बहुत सारा मूवीज डब किया है, आप चाहे तो इनको वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। इनका रिसेंटली डब किया हुआ मूवी है साइलेंट वॉइस, आप चाहे तो इनका वेबसाइट में जाकर वो मूवी डाउनलोड करके देख सकते हैं और स्ट्रीम कर सकते हैं ऑनलाइन। मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में इनका वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। तो जो हमारा नेक्स्ट डबिंग टीम है वो है द ऑफिशियल डबर्स। ये ऑफिशियल डबर्स का टीम भी साइलेंट वॉइस मूवी का हिंदी डब बना रहे हैं। ऑफिशियल डबर्स के टीम ने भी बहुत सारा एनिमे का छोटा छोटा क्लिप को हिंदी में डब किया है, अगर आप चाहे तो इनके यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल गई, साइलेंट वॉइस का एक सॉन्ग को हिंदी में डब किया है डीवी एनिमे वर्ल्ड, और योर नेम का स्पार्कल सॉन्ग का भी एक हिंदी डब वर्जन है, अगर आप चाहे तो यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। तो जो हमारा नेक्स्ट टीम है कूल्स एनिमे टीम डबर्स। इस टीम ने बहुत सारे एनिमे शॉर्ट मूवी को हिंदी में डब किया है। जो उनका रिसेंट डबिंग है वो है अ वॉइस ऑफ अ डिस्टिंग स्टार, और रिसेंटली इनके टीम ने शार्लेट एनिमे का फर्स्ट एपिसोड हिंदी में डब किया है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमारे नेक्स्ट डबिंग टीम के पास चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट डबिंग टीम है वो है प्रो इंडियन डबर्स। इन्होंने सॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का एपिसोड रिसेंटली डब किया है। इनकी टीम ने पैरासाइट्स का भी एपिसोड्स का हिंदी डब किया है। तो चलिए अभी बोनस की तरफ चलते हैं। तो हमारे बोनस में है टॉप 3 ऐप जिसमें आप एनिमे स्ट्रीम कर सकते हैं। तो पहला जो ऐप है जिसमें आप एनिमे स्ट्रीम कर सकते हो है किस एनिमे, इसका लोगो थोड़ा ऐसा दिखता है। दूसरा जो ऐप है वो है 9 एनिमे। तीसरा जो ऐप होगा उसका प्रोनाउंसिएशन शायद कुछ ऐसा होगा एनिमे। ये तीनों ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।